दोस्तों, आपने अपने फ़ोन को अपडेट कर लिया है और अपडेट करने के बाद आपके फ़ोन में बहुत से इश्यूज देखने को मिल रहे, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और आप लोग अपने मेयो वर्सन को डाउनलोड करना चाहते हैं, एंड्रॉयड वर्सन को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आज के इश्यू पर होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग अपने किसी भी शॉमी के फ़ोन में, अगर आपने अपने फ़ोन को अपडेट कर लिया है और आपके डिवाइस की बूट टोटल लॉक है, अनलॉक नहीं है, कस्टमर कभी से अपने फ़ोन को इंस्टॉल नहीं करना चाहते, डाउनलोड नहीं करना चाहते दोस्तों, तो ये वीडियो इसी होने वाली है। आज की वीडियो में आप लोगों को बगैर कस्टम रिकवरी के, बगैर पीसी के, बगैर बूट लोडर अनलॉक किए मैं बताऊंगा कैसे आप लोग अपने फ़ोन में MIUI वर्सन को डाउनलोड कर सकते हैं और एंड्रॉयड वर्सन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि मैं इस तरह कोई वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो गाइज़, डाउनग्रेड करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग जाकर दिखाता हूँ यहाँ पर। तो हम लोग जो वर्सन यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं आपके फ़ोन में, जो भी वर्सन इंस्टॉल है 12.5.2.0 अभी हमारे रेडमी के 10 प्रो में इंस्टॉल है। तो सिंपली आप लोगों को उसकी एक रिकवरी फाइल को डाउनलोड कर लेना है और जिस फाइल में आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसकी रिकवरी फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आपको ये दोनों फाइल्स हमारे रेडमी के 10 प्रो के लिए देखने को मिल जाता है। एक मैं जिस पर अभी हूँ जो एंड्रॉइड 11 वाला रोम है, और एक जिस पर डाउनलोड करने वाला हूँ जो एंड्रॉइड 10 वाला रोम है। तो आपकी MIUI वर्सन भी दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और आपकी एंड्रॉइड वर्सन भी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। फाइल को कहाँ से डाउनलोड करना है दोस्तों, सिंपली आप लोगों को गूगल पे जाना है और गूगल पर सर्च करना है आपका डिवाइस रिकवरी रोम रेडमी के 20 प्रो, या जो भी डिवाइस यूज़ करें सिंपल से सर्च करेंगे। सर्च करते जो पहला वाला आपको यहाँ वेबसाइट मिलेगा दोस्तों, वहाँ पे आप लोगों को सभी लिस्ट देखने को मिल जाएगा कि आपके फ़ोन में के लिए कौन सा रोम अवेलेबल है। तो आप लोग अपने डिवाइस के लिए रोम को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सिंपली सेटिंग में जाना है डाउनलोड करने के लिए, अबाउट में जाना है, और हम लोग यहाँ पर छू छोटे पैकेज के मैसेज डाउनलोड करेंगे, कस्टमर कभी से नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर छू छोटे पैकेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। तो सिंपली आप लोगों को इस लोगों पर मल्टीपल टाइम टैप करना है, तो आपको जो एडिशनल फीचर्स वो यहाँ पर एनेबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग इस 3 डॉट पर टैप करेंगे तो छू छोटे पैकेज देखने को मिल जाता है, इस पर टैप करेंगे। और दोस्तों जो अभी हमारे फोन में जो रोम अभी इंस्टॉल है उस वाले रोम को यहाँ पर फ्लैश करेंगे। तो अभी हमारे फोन में 12.5.2.0 रोम इंस्टॉल है तो उसमें फ्लैश करें, ओके करेंगे। टाइपिंग इन्फो होगा दोस्तों यहाँ पर, कुछ हम लोग वेट कर लेते हैं। दोस्तों वेट करिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोग अपने फ़ोन में से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, फिर आप लोगों को पीसी या फिर कस्टमर की जरूरत पड़ेगी। देख सकते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है मैसेज, योर डिवाइस विल रिबूट ऑटोमेटिकली टू इतना इतना। तो जो वर्सन दोस्तों अभी मेरा फोन में इंस्टॉल है वो सेम फोन यहाँ पर अपडेट का मैसेज यहाँ पर पॉपअप हो गया है। पर दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपने फ़ोन को अभी अपडेट नहीं करेंगे, उसके लिए आप लोगों को जाएंगे यहाँ पर होम पर, फाइल मैनेजर पर जाएंगे और इस वाले जो फाइल जो अभी हम लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने वाले हैं उसे हम लोग यहाँ पर रीनेम पर टैप करेंगे और पूरी टेक्स्ट को यहाँ पर हम लोग कॉपी कर लेंगे। जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है सभी टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और इसे हम लोग एक बार रीनेम कर देंगे। जो फाइल अभी हमारे फ़ोन में इंस्टॉल है वो सारी फाइल को हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट को कॉपी कर दें और उसे रीनेम कर देंगे। और जो जिस रोम को हमें डाउनलोड करना है उस वाले रोम को दोस्तों यहाँ पर रीनेम करके जो ओरिजिनल फाइल था उसे हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। अब हम लोग सिंपली जाएंगे उस अपडेट वाला पेज पे, रिबूट एंड अपडेट पर टैप करेंगे, डिक्रिप्ट होगा दोस्तों और थोड़ी देर में हमारा फोन यहाँ पर रिबूट एंड अपडेट होगा। और उसके बाद हमारे फोन में 12.5.2.0 की अपडेट आपको देखने को मिला, एंड्रॉइड 11 में अपडेट देखने को मिला दोस्तों, वो डाउनलोड होकर जो भी आपके जिस वर्सन पर आपने डाउनलोड किया होगा दोस्तों उस पर डाउनलोड हो जाएगा और आपकी जो एंड्रॉइड वर्सन है वो भी दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। हो सकता है कि आपका फोन यहाँ पर फर्मवेयर डाटा पूछे, अगर आपका फोन यहाँ पर मी की रिकवरी में बूट करता है तो उसके समय आप लोगों को अपने फोन में फर्मवेयर डाटा करना होगा। और दोस्तों अगर आपका फोन यहाँ पर डायरेक्टली रिबूट हो जाता है तो फर्मवेयर डाटा करने की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने सभी इंपोर्टेंट डाटा का बैकअप बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों बैकअप जब डिलीट हो जाता है रिस्टोर नहीं कर पाते दोस्तों तो बहुत परेशानी होती है। तो आप लोग बैकअप बनाकर जरूर रखे रहिएगा। तो देख सकते हैं जो प्रोसेस है हमारा ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ प्रोसेस हो रहा है, पैसेज रखना है, वेट करना है, आपके फ़ोन में एटलीस्ट 50% चार्ज है यहाँ पर, और आप लोगों को अपने फ़ोन को यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक दोस्तों आपका फ़ोन यहाँ पर अपडेट होकर रिबूट हो जाएगा। अपडेट होकर रिबूट होता है दोस्तों तो आपका डाटा इरेज नहीं होगा, पर अगर मीक रिकवरी में यहाँ पर अपडेट होकर मीक रिकवरी में स्विच करता है तो उस केस में आप लोग को अपने वाइप डाटा करना होगा, तो उस केस में आपकी जो डाटा है वो इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया, स्टिल दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट है सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कीजिए। आप लोग मैं देख रहा हूँ आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट भी नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और कोई सजेशन भी नहीं देते हैं, तो प्लीज़ सजेशन दिया करिए, क्या इंप्रूवमेंट करना दोस्तों वो भी आप लोग बताया कीजिए। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक किया करिए, कोई सवाल हो तो कमेंट किया कीजिए। तो जैसा गाइस देख सकते हैं 99.99% हमारे फोन में हो चुका है, वेट करते हैं 100% होने का, देखते हैं फ़ोन बूट होता है
या फिर मेक रिकवरी में जाता है। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, अगर मेक रिकवरी में फोन हमारा बूट होता है तो हमें वाइप डाटा करना होगा, और अगर डायरेक्ट हमारा फोन यहाँ पर अपडेट हो गया, रिबूट अपडेट हो गया, तो कोई बात नहीं, डाटा एरेज नहीं होगा फिर। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं हमारा फोन यहाँ मेक रिकवरी में बूट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर मेक रिकवरी में बूट होता है तो हम लोग यहाँ पर वाइप डाटा करना होगा। तो आप लोगों को वॉल्यूम वाइप जो बटन है उससे आप लोग यहाँ पर ऑप्शन को ओपन से करना है, और वाइप डाटा जाने के बाद आप लोगों को पावर बटन को प्रेस कर देना है और वाइप ऑल डाटा कर देना है। वाइप ऑल डाटा करने के बाद दोस्तों आप लोग कन्फर्म करना है, जिसके बाद दोस्तों हमारा जो डाटा है सभी डाटा जो है यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, और फिर हम लोग अपने फ़ोन को यहाँ पर रिबूट अपडेट होगा और हमारा फ़ोन यहाँ पर सक्सेसफुली देख सकते हैं डाटा वाइप सक्सेसफुल हो चुका है। बैक मेनू पर जाते हैं, रिबूट करते हैं, रिबूट सिस्टम करते हैं दोस्तों। अब हमारा फोन यहाँ पर रिबूट सिस्टम होगा, यानी दोस्तों मी वाई की रोम पर यहाँ पर बूट होगा, और जो हमारे फोन में जो भी रोम इंस्टॉल था मी वाई की 12.5.2.0 या फिर जो भी दोस्तों आपके फोन में इंस्टॉल है दोस्तों उसे डाउनलोड करके आप लोगों ने जो भी रोम को अपने फोन में इंस्टॉल किया होगा वो आपके फोन में हो जाएगा। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर रेडमी के 20 प्रो में एंड्रॉइड 11 वाली रोम 12.5.2.0 के अपडेट हमें देखने को मिलता था, और दोस्तों जैसे हमने अपने फोन को डाउनलोड किया है तो हमारा फोन यहाँ देख सकते हैं बूट होने वाला है। अब बूट होने के बाद दोस्तों मैं आपको सेटिंग में जाकर दिखा दूंगा कि जो भी प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो किया था तो दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली काम हो चुका है। तो जैसा गाइस हमारा फोन यहाँ पर बूट हो चुका है, हमने अपने फोन को यहाँ पर फॉर्मेट डाटा वाइप डाटा किया था। तो अगर आपके फोन में मी अकाउंट लॉगिन है तो आप लोग को अपने मी अकाउंट को यहाँ पर डालने के बाद एक्टिवेट करना होगा, और फिर दोस्तों मैं सेटअप कंप्लीट करके आपको वापस आता हूँ, फिर दिखाता हूँ हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों हमने डाउनलोड किया था, एक्टिवेट करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, पहले हमारा फोन मीओ 12.5 था, अब आपको मीओ 12 देखने को मिलता है। तो 12.5 से दोस्तों हम लोग 12 पे भी डाउनलोड कर चुके हैं, एंड्रॉइड 11 से दोस्तों मैं यहाँ पर एंड्रॉइड 10 पर भी स्विच कर चुके हैं दोस्तों। अब हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुली अपने रोम को यहाँ पर डाउनलोड कर दिया, सक्सेसफुली अपने मी वाई को डाउनलोड कर दिया, सक्सेसफुली अपने फोन की एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पर डाउनलोड कर दिया दोस्तों। और उसके लिए हम लोगों ने अपने फोन में बूटलोडर को अनलॉक नहीं किया, कस्टम रिकवर को इंस्टॉल नहीं किया, ना ही पीसी का दोस्तों हम लोगों ने इस्तेमाल किया, नहीं दोस्तों हम लोग किसी भी तरह कोई भी सोर्स का हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपने फोन को दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूज़ किया है और हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने फोन में मी वाई को डाउनलोड कर दिया, एंड्रॉइड को डाउनलोड कर दिया। और दोस्तों इस तरह आप लोग भी अपने किसी भी शॉमी डिवाइस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग अपने किस डिवाइस की मी वाई वर्सन को डाउनलोड करना चाहते हैं, किस डिवाइस की एंड्रॉइड वर्सन को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। एडिंग फिनिशिंग टचेस, तो फाइनली हम लोग यहाँ फिनिशिंग टच दे रहे हैं, और दोस्तों काफ़ी टाइम लग रहा है यहाँ पर सेटअप वगैरह करने में। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पर जो फाइनल टच था वो भी हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया। अगर इस सब रिकमेंडेशन को आप लोग बंद कर देंगे दोस्तों तो आपके फोन में जो भी एड्स आता है दोस्तों वो यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं सेटअप कंप्लीट हो चुका है, मीओ 12 वाला जो सेटअप देखने को मिलता है दोस्तों वो हमें देखने को मिल जाता है। मीओ 12.5 था दोस्तों, मीओ 12 पर स्विच कर चुके हैं, डाउनग्रेड कर चुके हैं। सेटिंग में दोस्तों जाते हैं यहाँ पर, अबाउट फोन में जाते हैं हम लोग यहाँ पर, रेडमी के 20 प्रो या फिर मी 19 प्रो दोस्तों बात करते हैं देखने को मिल जाता है, एंड मीओ वर्सन दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर तो 12.0.6.0 का अपडेट देखने को मिल जाता है दोस्तों। एंड्रॉइड वर्सन की बात करते हैं यहाँ पर तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर एंड्रॉइड 10 वाली सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने अपने फोन में मीओ 12.5 को डाउनलोड किया, मी वाई को डाउनलोड किया, एंड्रॉइड वर्सन को डाउनलोड किया। दोस्तों आप लोग भी इस तरह से आप लोग अपने किसी भी शॉमी डिवाइस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कौन सी डिवाइस को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं। और दोस्तों आप लोग ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह कोई वीडियो को अपलोड करूँ उस नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले।